हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज जो मैंने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया वो हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ही है, लेकिन इसमें हम लोग जो है वो डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन टू मीन्स, पॉपुलेशन मीन्स। इसके स्टूडेंट्स जो है ना, थ्री केसेस की जरूरत है हमारे पास, जो हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस हमारे पास क्या है कि बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल विथ नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमारे पास दोनों पॉपुलेशंस जो हैं वो नॉर्मल हो रही हैं और उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नॉन है, यानी वो पॉपुलेशन से जो है वो सिलेक्ट किया गया है, तो ये हमारे पास पहला केस जो है हमारे पास वो बन जाएगा। सेकेंड केस हमारे पास क्या है कि हमारे पास दोनों पॉपुलेशन नॉर्मल होंगी लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो अननोन होगा। एंड द थर्ड केस इज हमारे पास जो दोनों पॉपुलेशन है वो नॉन नॉर्मल होंगी, यानी वो नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा कि जो सैम्पल साइज होंगे दोनों केसेस के, यानी दोनों जो पॉपुलेशन के जो सैम्पल साइज होंगे वो लार्ज होंगे हमारे पास। स्टूडेंट्स, ये थ्री केसेस जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो हम फर्स्ट केस जो है वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट केस है वो है बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले तो हम इसके पूरे जो स्टेप्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह की जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, यानी टेस्टिंग जो हम लोग हाइपोथेसिस बना रहे हैं इसके अंदर वो हमारे पास किस तरह। सबसे पहले तो हम इसकी हाइपोथेसिस बना लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाने का। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास हाइपोथेसिस इस तरह से आ जाए, इसको हम डेल्टा नोट कहते हैं। ये डेल्टा नोट जो है किसी भी स्पेसिफाइड वैल्यू को जो है वो शो करेगा, म्यू वन माइनस म्यू टू की। मैं यहाँ लिख देती हूँ, डेल्टा नोट इज स्पेसिफाइड वैल्यू। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास किस तरह बन जाएगी, अगर हमारे पास सेकंड केस इस तरह से आ जाए, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम उसे ऑपोजिट ले लेते हैं। एंड द थर्ड केस इज, अगर हमारे पास हाइपोथेसिस इस तरह से आ जाए तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस तरह से बन जाए। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको इसको सोल्व करने से पहले जो है वो याद रखने हैं, ताकि आप इजीली जो है अपना क्वेश्चन को है वो सोल्व कर पाए। सेकेंड स्टेप हमारे पास हमेशा क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फा, हम उसको अल्फा से जो है डिनोट करते हैं। थर्ड स्टेप इज टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या होगा, जी इक्वल्स जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू एंड स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर ओवर एन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक। और अगर हमारे पास ये वैल्यू जो है म्यू वन माइनस म्यू टू हो, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन जस्ट इसमें डिफरेंस जो है वो टू मीन्स का यूज हुआ है। एंड द फोर्थ स्टेप भी आपको पता है कि कैलकुलेशन का होता है। एंड फिफ्थ स्टेप हम अपना क्रिटिकल रीजन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर हमारे पास जो है वन टेल टेस्ट होगा, तो अगर हमारे पास वैल्यू लेस है तो हम उसके लिए ये यूज करेंगे माइनस जी अल्फा। अगर हमारे लिए जो है वैल्यू सी की वो पॉजिटिव आ रही है, तो हम क्रिटिकल रीजन ये वाला यूज करेंगे। अगर हमारे पास टू टेल टेस्ट है तो हम कौन सा क्रिटिकल रीजन यूज करेंगे, एंड द सिक्स्थ स्टेप इज डिसीजन। हम लास्ट अपना डिसीजन कर देंगे। अगर हमारी जी वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल्स कर रही है, तो हम जो अपना एज नोट है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे बेसिकली स्टेप्स जो कि हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारे पास क्या, हमारे पास क्वेश्चन होगा, हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस कर रहे हैं अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स, टू पॉपुलेशन मीन्स। और इसका फर्स्ट केस अगर हमारे पास आ रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन हैं दोनों वो नॉर्मल हैं और उनके जो स्टैंडर्ड डेविएशन हैं वो नॉन है, तब हम लोगों ने ये सारा प्रोसीजर जो है, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो यूज करना है।
यूजली सब केसेस के लिए हमारे पास हाइपोथेसिस तो सेम रहेगी, क्रिटिकल रीजन तो सेम रहेगा, लेकिन हमारे पास डिफरेंस कहाँ आएगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक, वो मैं आपको साथ साथ जो है वो गाइड करती जाऊंगी कि क्या आपने करना है अगर आपके पास केसेस डिफरेंट आ रहे हैं. लेकिन जो फर्स्ट केस है, जब पॉपुलेशन नॉर्मल होंगी और नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, तो आपने ये वाला जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है. बाकी जो सारे हमारे पास स्टेप्स होंगे वो तो सेम ही रहेंगे. अब हम अपने एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि हम उसको समझ लें और अच्छी तरह से हमें समझ आ जाएगा कि ये क्या है हमारे पास. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जाम्पल क्वेश्चन. अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 24 गिव एक्स पावर 1 इक्वल्स 15. अ सेकंड सैंपल ऑफ साइज 28 फ्रॉम अनदर नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 18 गिव एक्स पावर 2 इक्वल्स 13. टेस्ट एच नॉट म्यू 1 माइनस म्यू 2 इक्वल 0 अगेंस्ट एच 1 म्यू 1 माइनस म्यू 2 नॉट इक्वल्स टू 0 लेट अल्फा इक्वल 0.05. अगर सबसे पहले तो आपने देखना है कि दोनों जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही हैं और हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो गिवन है, क्योंकि पॉपुलेशन से सिलेक्ट किया जा रहा है तो सिग्मा हमारे पास गिवन है. अगर आप देखें तो साइज यहाँ 36 है विच इज ग्रेटर देन 30 है, लेकिन ये हमारे पास विच इज लेस देन 30, दूसरा जो साइज है 28 वो लेस देन 28 है. तो दोनों पॉपुलेशन के जो साइज हैं वो ग्रेटर देन 30 नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो गिवन है. तो इसमें हम कौन सी कंडीशन यूज करेंगे जो कि मैंने सारा प्रोसीजर आपको बताया. सबसे पहले तो हम अपने टेस्ट जो अपनी हाइपोथेसिस है वो लिख लेंगे. एच वो भी हमें गिवन है म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड एच 1 म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0. द सेकंड स्टेप इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. वो हमें दिया गया 0.05. द थर्ड स्टेप इज टेस्ट स्टैटिस्टिक. अब हमारे पास जो उसकी वैल्यू है म्यू 1 माइनस म्यू 2 की, यानी जो हमारे पास स्पेसिफाइड वैल्यू थी वो 0 थी, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, माइनस 0 कर देंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं. एंड द फोर्थ स्टेप इज कैलकुलेशन. इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे. x बार 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 एंड x बार 2 की वैल्यू क्या है 13. देन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 24. वेरिएंस क्या है हमारे पास यहाँ पे 24, क्योंकि सिग्मा 1 स्क्वायर जो है वो वेरिएंस को शो करता है, और n1 हमारे पास कितना है 36. देन प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर हमारे पास कितना है, अनदर वेरिएंस इज 18 एंड हमारे पास जो n2 है वो कितना है 28. अगर हम सबको वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो मैं वैल्यू जो गेट करूंगी वो करूंगी 1.06. नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, हमारे पास g की वैल्यू तो आ गई. अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रीजन, वो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. है कि यहाँ पे कि हमारे पास ये टू टेल टेस्ट है, टू साइडेड टेस्ट है, तो मैंने आपको बताया था कि टू साइडेड टेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं. हमारे पास अल्फा क्या 0.05, मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीका यहाँ बता रही हूँ. स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आता कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है. इसको करने से हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.025 एंड जी ग्रेटर देन जी 0.025. अब जीरो पॉइंट 0.025 की जो वैल्यू हम लोगों ने अपने जो टेबल था उसे फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास होती है 1.96. ये मैंने आपको टेबल भी बना के दिखाया था वीडियो में, आप चाहें तो मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे वैल्यू देखनी है, और वो टेबल भी मैंने बताया था. अब हम लोग देखेंगे कि हमारी जो जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, तो हम अपने पॉजिटिव में देखेंगे 1.06 जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो है वो फॉल नहीं कर रहा, यानी 1.96 से जो है वो ग्रेटर नहीं है. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारी जो द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, तो हम अपना रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम एक्सेप्ट करेंगे एच नॉट. अब डिसीजन क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर, अगर आप देखें ये हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं क्रिटिकल रीजन क्योंकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव है. 1.06 जो है वो लेस होता है 1.96 से,
इसका मतलब है कि हमारे पास जो z की वैल्यू है मैं यहाँ लिख रही हूँ एक्सेप्ट एच नॉट, क्योंकि या बिकॉज द वैल्यू ऑफ z डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन इसलिए हम लोगों ने जो है अपना जो एच नॉट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया. सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, वी एक्सेप्ट एच नॉट. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल जो है वो समझ आ गई होगी. अगर आपको इसमें किसी भी बात ही समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ. चाहे कुछ दिन बात करूँ लेकिन ज़रूर रिप्लाई करती हूँ. आज स्टूडेंट्स हम लोग जो है अपने नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं कि अब इसका नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास. ओके नेक्स्ट केस हमारे पास केस टू, एंड बोथ पॉपुलेशंस आर नॉर्मल विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशंस. अब इसी एग्जांपल में किया, अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट वाज गिवन टू रैंडम सैंपल्स ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स इन अ सर्टेन कंट्री. द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर रिकॉर्डेड. सोल्जर्स एंड सेलर्स के लिए हम लोग को नंबर ऑफ सैंपल्स भी दिए गए, मीन स्कोर भी दिए गए, एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशंस भी दिए गए. अज्यूम द पॉपुलेशन ऑफ स्कोर्स टू बी नॉर्मल, व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन. असल सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने अपनी जो है वो हाइपोथीसिस जो है वो यहाँ पे लिखनी है. अब हमारी जो हाइपोथीसिस है वो क्या आ रही है, एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल्स टू जीरो, एंड एच वन म्यू वन माइनस म्यू टू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. सेकेंड इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. मैं इसको पूरा नहीं लिख रही, आप लोगों ने पेपर में ऐसे नहीं लिखना, which is alpha equals 0.05 because I think it's here is no mentioned, so we will use 0.05. and the third step is test statistic. टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या करेंगे, हमारे पास जो बोथ सैंपल्स हैं वो ग्रेटर देन 30 हैं और बहुत ज़्यादा लार्ज हैं. एंड द सेकंड स्टेप इज बिकॉज हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन हैं वो अननोन है, तो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या हो जाएगा, एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू. मैं यहाँ पे जीरो नहीं लिख रही और ये हमारे पास एस से यानी जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से जो है रिप्लेस हो जाएगा. एंड देन हम लोग जो है अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे इसके अंदर. कैलकुलेशंस मुझे नहीं लग रहा कि आपको नीचे से नजर आ रहा होगा, तो मैं इसको आगे ही सोल्व करूंगा. द कैलकुलेशन इज इक्वल्स एक्स बार वन, हमारे पास क्या है यहाँ पर. सबसे पहले तो अगर हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उन्होंने हम लोगों को पहले क्या दिया, सोल्जर्स एंड सेलर्स. तो सबसे पहले तो हम लोगों ने म्यू वन जो है उसको लेना है जिसकी जो एक्स पार वन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या बिगर है, क्योंकि हम लोगों ने इसको एडजस्ट करना है. यानी इसको अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये हमारे पास क्या एक्स पार वन और ये हमारे पास क्या एक्स पार टू, तो इसको आपने खुद से एडजस्ट करना है क्योंकि इसमें कहीं मैंशन नहीं किया हुआ. आपने इसको अपने ही लिहाज से इसको मैंशन करना है. यानी इसका मतलब म्यू वन जो है आप सेलर्स को ले रहे हैं, यानी मीन जो आप यहाँ पे म्यू वन है वो आप सेलर्स का है ले रहे हैं और जो म्यू टू है वो आप सोल्जर्स का ले रहे हैं. तो हमारे पास क्या बनेगा, इक्वल्स 12.99 माइनस 12.78 एंड डिवाइडेड बाय, बड़े ही ध्यान से वैल्यूज पुट करने की कभी कभी मिस्टेक हो जाती है. एस वन स्केयर हमारे पास आ रहा है 2.48 डेविएशन है, तो हम इसका स्केयर लेंगे क्योंकि ये हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वेरियंस नहीं है. यहाँ पे आपको देखा जाए तो ये वेरियंस है, इसके ऊपर स्केयर है, तो आप इसका स्केयर लेंगे. देन एन वन हमारे पास क्या आ रहा है, 615. ये बड़े ही ध्यान से वैल्यूज को पुट करना है. नेक्स्ट हमारे पास है 2.43 का स्केयर and then divided by 332. अब मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेती हूँ और जब मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1.24. सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आंसर आ गया. अब हम अपना क्रिटिकल डिसाइड कर लेते हैं, क्रिटिकल रीजन. हमारे पास टू साइडेड टेस्ट है तो टू टेल टेस्ट है, तो क्रिटिकल रीजन क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन वैल्यू आ रही है यहाँ पर और जो हमारे पास अल्फा वो 0.05 है. स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन वन इक्वल है z ग्रेटर देन 1.96. मैंने आपको पूरा मेथड अभी पहले एग्जाम्पल्स में बताया, तो आप उसमें देख लीजिएगा किस तरह से क्रिटिकल रीजन जो है वो फाइंड आउट करते हैं. मैं आई थिंक काफी डिटेल में पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ. अब अगर हम देखें तो z की वैल्यू जो है 1.24 वो इससे ग्रेटर यानी 1.96 से ग्रेटर नहीं है. इट मीन्स हम लोग यहाँ पर जो है अपनी जो एच नोट है उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे. तो हमारा डिसीजन क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट एच नोट.
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड केस है, दिस इज द थर्ड केस, बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉन नॉर्मल विद लार्ज सैंपल साइजेस। इसी एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 40 फ्रॉम अ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन यील्डेड द सैंपल वैल्यूज एक्स पावर 1 इक्वल 70.4, एस 1 स्क्वायर इज 31.40 एंड अदर रैंडम सैंपल ऑफ साइज 50 फ्रॉम अ सेकंड नॉर्मल पॉपुलेशंस यील्ड द सैंपल वैल्यूज दिस वन। टेस्ट हाइपोथेसिस हम ये करेंगे। अब जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास जो साइज है वो हमारे पास जो एन वन है वो हमारे पास 40 है विच इज ग्रेटर देन 30 एंड द नेक्स्ट वन इज द एन टू विच इज ग्रेटर देन आल्सो ग्रेटर देन 30 विच इज 50। तो इसमें हमारे पास मेंशन भी हो गया कि नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन हैं और हमारे पास जो साइज है वो भी ग्रेटर देन जो है वो 30 है, लार्ज सैंपल साइज है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे ये भी सिंपल सेम वैसा ही है, इसमें भी कोई आपको मुश्किल नहीं होगी। आपने सबसे पहले अपनी हाइपोथेसिस लिख लेनी है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही कर रही हूँ, यानी ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को शो कर रहा है। एंड थर्ड स्टेप इज टेस्ट स्टैटिस्टिक। आपने पेपर में LOS नहीं लिखना, आपने इसको मुकम्मल लिखना है, कंप्लीट। जी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1 माइनस एक्स पावर 2 माइनस डेल्टा नोट, क्योंकि हमारे पास डेल्टा नोट की वैल्यू मौजूद है यहाँ पर। एंड और यहाँ पे हम लोग सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे, सैंपल्ड वेरिएंस यूज करेंगे। ओके द नेक्स्ट वन इज कैलकुलेशंस, वो मैं आगे कर लेती हूँ क्योंकि आपको फिर नीचे से जो है वो नजर नहीं आएगा। कैलकुलेशंस में हम लोगों ने जो z की वैल्यू पुट करेंगे, x बार 1 हमारे पास है 70.4 एंड x बार 2 हमारे पास क्या है 65.3 एंड ब्रैकेट्स लगा कर देन माइनस 2। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देन माइनस करेंगे 2 से एंड देन पुट द वैल्यूज ऑफ एस 1 स्क्वायर इज 31.40 डिवाइडेड बाय। अगर आप देखें तो ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया, ये हमें वेरियंस दिया गया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी। देन हमारे पास जो एन 1 है वो हमारे पास क्या 40, देन एड एस 2 स्क्वायर हमारे पास है 44.82 एंड हमारे पास जो एन 2 था वो 50। इसको जब सॉल्व करने के बाद जब मैं आंसर फाइंड आउट करूंगी तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2.34। अब हम लोग अपना क्रिटिकल रीजन डिसाइड कर लेते हैं। अब हमारे पास एक कौन सा टेस्ट यूजर है, हमारे पास ये वन साइडेड टेस्ट यानी वन टेल टेस्ट है। अब जी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे एंड इसकी वैल्यू जो होती है जब हम लोग टेबल वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास जो टेबल वैल्यू है वो क्या आती है 1.645। अगर मैं अपनी वैल्यू देखती हूँ जी की वैल्यू वो ग्रेटर है हमारे पास 1.045 से, इट मीन्स हमारा हम अपनी जो एच होता है उसको रिजेक्ट कर देंगे, दैट इज सी एन इज रिजेक्टेड नॉट बिकॉज इट इज फॉल इन द क्रिटिकल रीजन। रिजेक्टेशन बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, तो हम अपना जो डिसीजन क्या करेंगे हम रिजेक्ट कर देंगे एच नोट को। स्टूडेंट्स ये परिस्थिति था केस 3 का, समझ आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स प्लीज इसको जरूर लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है नॉलेज को गेन कर सकें। स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय।